नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट 02। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मात्र 10 रुपये में आप इजी हैंड वॉश कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मात्र 10 रुपये में। आपने सही सुना, आपने देखा ही होगा कि मार्केट में 150 रुपये में 5 लीटर की कैन हैंड वॉश की मिल जाती है होलसेल मार्केट में। लेकिन ये 150 रुपये में 5 लीटर की कैन केवल हैंड वॉश के साथ नहीं, विद कैन के साथ होती है। तो ऐसे कैसे वो बना लेते हैं इस प्रोडक्ट्स को जो उनके लिए इतनी सस्ते बन जाती है और उस पर प्रॉफिट मार्जिन लेने के बाद भी उसे वो सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रोडक्ट को हम बनाने वाले हैं। वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों, पूरी तरह जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो जो है पूरी तरह प्रैक्टिकल वीडियो है, तो स्किप करके आप अपना ही नुकसान करने वाले हैं। तो दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्किप ना करें वीडियो और पूरी तरह वीडियो को देखें। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले करता हूं आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के बिजनेस आइडिया और प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे। साथ ही दोस्तों चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इसके साथ साथ दोस्तों मैं क्लीनिंग और कॉस्मेटिक की ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूं। तो आप लोगों में से जो बंदे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में से कोई भी ट्रेनिंग लेना चाहें वो मुझे कॉल करके ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट की प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले आपको पानी का रिक्वायरमेंट होगा। पहले तो आप पानी ले लीजिए। पानी मैं बड़े क्वांटिटी की बात अगर करता हूँ तो इसके अंदर आप 750 ग्राम पानी ले सकते हो। 750 ग्राम पानी लेने के बाद उसके अंदर हम जैंथन गम को यूज़ करेंगे। याद रखिएगा, जैंथन गम को यूज़ करना है। कितना यूज़ करेंगे? मात्र 2 ग्राम। रेट वाइज की बात की जाए तो जैंथन गम अगर आपको 600 रुपये किलो मिल रहा है तो प्रेजेंट टाइम में 600 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो 100 ग्राम का भाव होता है 60 रुपये और आपके 10 ग्राम का भाव होता है 6 रुपये। 2 ग्राम की बात की जाए तो 1 रुपये 20 पैसे में आपका ये जैंथन गम पड़ता है। याद रखिए, जैंथन गम ट्रांसपेरेंट वाला ही लेना ताकि आपका प्रोडक्ट ट्रांसपेरेंट हैंड वॉश बना जा सके और आपका मिल्की हैंड वॉश भी बन सके। कुछ समय के बाद जब ये गाढ़ा हो जाए आप इसके अंदर ऐसे लीएस को लेना है। 1 लीटर की बात की जाए तो 1 लीटर के अंदर केवल और केवल आपको 100 से 120 ग्राम, बहुत अगर आपका दिल करे तो 150 ग्राम डाल सकते हो। याद रखिए दोस्तों, 150 ग्राम जब डालते हो तो आपको अच्छी खासी फोमिंग मिल जाती है। कारण ये है कि इसके अंदर कोई नमक नहीं यूज़ होता है थिकनिंग एजेंट के तौर पे। थिकनेस आने पे हमारा क्या होता था पहले, ये जो है इसकी फोमिंग कम हो जाती थी इन सॉल्ट की वजह से, तो वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब इसके अंदर आप इसे डाल सकते हैं। इसे याद रखिएगा, डालते हुए मिक्स कर सकते हैं। मैं एक ही बार डाल दे रहा हूँ, आप जब बनाएं तो इसे डालते हुए मिक्स करें। याद रखिए, जब भी जैंथन गम यूज़ करते हैं तो सॉल्ट यूज़ ना करें, नहीं तो आपका प्रोडक्ट्स ख़राब हो जाएगा और थिकनेस नहीं देगा। कुछ लोग थिकनेस के लिए सॉल्ट अगर यूज़ करेंगे तो आपका प्रोडक्ट्स ख़राब होने का चांसेस बना होता है। अब जो है इसकी अगर रेट की बात की जाए SLS की, तो अगर आपको अगर 55 रुपये लीटर भी मिलता होगा प्रेजेंट टाइम में तो 100 ग्राम का भाव होता है 5 रुपये। अगर आप मान लीजिए 150 ग्राम भी डालते हो तो 7.5 रुपये का ये हो गया आपका SLS और 1 रुपये 20 पैसे का वो हमारा जैंथन गम, यानी 8.5 रुपये 70 पैसे में हमारा ये थिकनेस वाला फोमिंग के साथ प्रोडक्ट तैयार हो गया। अब इसमें हम यूज़ करेंगे कलर और परफ्यूम जो कि 1 रुपये का होगा और प्रिजर्वेटिव जो 8 ने का हम यूज़ करेंगे। याद रखिएगा, कलर परफ्यूम और प्रिजर्वेटिव इसे जो है इस तरह यूज़ करना है कि 1.5 रुपये से क्रॉस ना कर पाए आपका कॉस्ट, और इसे करेंगे मिक्स। अब ये देख सकते हो आपका ट्रांसपेरेंट और थिक हैंड वॉश बनके रेडी हो गया। इसे अगर आप मिल्की करना चाहें तो पर्ली पेस्ट वगैरह डालेंगे तो रेट बढ़ेगा, लेकिन जब याद रखिएगा पर्ली पेस्ट को जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा 40 से 50 ग्राम SLS को कम करके वहाँ पे पर्ली पेस्ट को ऐड कर सकते हैं, वो भी फोमिंग काम करता है क्योंकि वो भी फोमिंग एजेंट से ही बनता है। तो दोस्तों इस तरह इस प्रोडक्ट्स को आप बनाइए। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और इससे प्रोडक्ट्स की आपको ट्रेनिंग लेनी हो तो मुझे जरूर कॉन्टैक्ट कर लें। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और मेरे नेक्स्ट वीडियो को जरूर वेट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।